विधिर विषयान राश्य भोगान समिष्टान पश्चाचन्यान सरस्वति विभान ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान सर्वानेतान पुनरपि शनै स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुण गण पात्र सोनस्तुरीय अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के चतुर्थ प्रकरण अलग शांति प्रकरण के ऊपर विचार करते हुए कल जो है एक सिद्धांत तो यहाँ पे बताया। क्या बताया कि प्रकृति अन्यथा भावना कथन चित्त आवश्यक, जिसका जो स्वभाव है वो किसी भी निमित्त से किसी भी देश में किसी भी काल में कभी भी उसका प्रकृति का स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता। तो प्रकृति किसको कहते हैं तो बोले कि स्वाभाविकी सांसिद्धि की स्वाभाविकी सहज अकृता जजा प्रकृति सा इति विज्ञा स्वभाव न जहाँ। इसको प्रकृति कहते हैं, मतलब आपने साधन के द्वारा योगी लोग योग अभ्यास के द्वारा अष्टांग योग को साधन करके जो परिणाम पर पहुँचते हैं उनके पास अनिमा गरिमा आदि सिद्धि प्राप्त होता है। जब तक जिनका शुद्ध शरीर रहता है तब उसको मतलब सिद्धि के कारण से प्राप्त हुआ। इसके बताया सांसिद्धि की स्वाभाविकी जो स्वभाव से अपने आप होता है, जैसे अग्नि की उष्णता जल की शीतलता अपने आप उसका स्वरूप होता है। सहजा जो एक साथ उत्पन्न होता है, सहजा मतलब क्या हो गया जो चिड़िया को उड़ना मनुष्य को चलना सांप को पैर के छाती को पर चलना सहजा इस प्रकार से अपने आप मतलब जन्म के साथ साथ जो आ जाता है। और एक जो मतलब अकृता उसको किसी ने किया नहीं, पानी नीचे की ओर ही जाएगा धान मिलेगा वहीं पर जाएगा, किसने किया नहीं। इस प्रकार से ये इस प्रकार अन्य जो भी कोई वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता इसको प्रकृति कहते हैं, इसको प्रकृति कहते हैं। तो ये जो है ये प्रकृति की अन्यथा भाव मतलब जिसका जो प्रकृति है वो कभी बदलती नहीं है। जब सामान्य लौकिक वस्तु में भी ये न्याय लागू है तो जो निर्गुण निराकार निर्विशेष पूर्ण व्यापक तत्व शास्त्र कहते हैं अजो नित्य शाश्वत है, अन्य जन्म मृत्यु कहाँ से आ जाएगा। इसलिए जीव जन्म मृत्यु से रहित है। तो यदि जन्म मृत्यु से रहित है इसको जन्म मृत्यु के भाव आता कहाँ से, तो यही तो कल्पना की फल यही होता है। इसको लेकर के कल 10 नंबर श्लोक जो है हम लोगों ने आधा छूट किया था ना, 10 नंबर का टीका थोड़ा छूटा हुआ था। 10 नंबर श्लोक के पढ़ेंगे देखो, जरा मरण सर्वे धर्म स्वभाव जरा मरण वास्तविक प्रत्येक जीव जन्म मृत्यु से नहीं चाहे, परंतु ये जन्म मृत्यु के भाव ये चिंतन मन में रखने के कारण वो भ्रांति से मेरे को जन्म मृत्यु हो रहा है। अजय जगह भगवान भाष्यकार लिखते हैं शंका विष से भी लोग जो है मर जाते हैं। शंका विष में तो आपको सांप नहीं काटा, आपने जंगल में गया कोई चीज चुभा आपका पैर में, आपको लगा अंधेरा था देखा नहीं मेरे को सांप काटा, बस वो जो सांप काटने की डर से जो व्यक्ति का शरीर छू जाता है डर के हमारे सांप काटा ये नहीं होता है। ये मतलब शंका के कारण मिथ्या चिंतन के कारण क्या होता है कि जो है वो बार बार क्योंकि मन में वो भाव बैठी हुई है तो आपको सपना ही देखते रहोगे। जिस भाव मन में बार बार आएगा उसको सपना देखते हैं, जन्म मृत्यु का सपना जीव बार बार देखते रहते। इसलिए बोलते हैं जरा मरण विचंत चवनते अपने जन्म मृत्यु भाव से रहित वहाँ से च्युत हो जाता है तन मनीषय। इस प्रकार जन्म मृत्यु भाव को मन में दृढ़ बैठा के रखने के कारण कल देखिए इसके ऊपर हम लोग भाष्य तो पूरा एक बार पढ़ लिया था है ना, टीका को देखिए यहाँ पे भाष्य में पूरा नहीं हुआ है महाराज के सर्वे धर्म सर्वात्मा यहाँ तक ही के सर्वे धर्म सर्वे आत्मा न मतलब वो सर धर्म पे मूल में है ना, सर्वे धर्म कौन है वो सर्व आत्मा न समस्त जीव इति एतत् स्वभावतः ये समस्त जीव इट्स वेरी नेचर प्रकृति से क्या होता है वो जन्म मृत्यु से रहित है। जरा मरण निर्मुक्ता जन्म मृत्यु से रहित है। अच्छा ये श्लोक अक्षराणी व्याकर्तुम आकांक्षम दर्शयति किम विषय अपने पढ़ लिए थे वो जो वहाँ पे विषय शब्द आया हुआ किम विषय अपना सा प्रकृति जस अन्यथा भाव बाधि फिर कल्पते किसको आश्रय करके प्रकृति रहते जीव को आश्रय करके रहते
जीव की प्रकृति क्या है, जन्म मृत्यु से रहित राहित्य, और हम अपने को क्या लिया, जन्म मृत्यु वाला मान लिया। इसीलिए फिर बोलते हैं कि आश्रय विषय विषय शब्द, विषय शब्द कहाँ पाया, किम विषय, तो ये विषय शब्द किसको अर्थ करते हैं, विषय शब्द का मतलब किसके आश्रय में रहता है, जरा मरण निर्मुक्ता कौन है, जीव, जीव हाँ, इसका किसका आश्रय में ये है, जन्म मृत्यु राहित तो कहाँ पे है, किस अंतिम आश्रय, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे आश्रय विषय विषय शब्द, वहाँ पे जो विषय शब्द आया हुआ है ना, वो विषय शब्द का अर्थ है आश्रय, आश्रय विषय विषय शब्द, शब्द प्रयोग करने का सही देखिए किम विषय। अच्छा तो क्या हो गया, आगे बोलते हैं अप्रकृतम प्रकृति है आश्रय निरूपणम इति आशंका हो, आपको क्या बोलना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से रहित है जीव, अब जो है जरा व्याधि का आश्रय कौन है कौन नहीं है, इसके तो अप्रकृत है, वो तो विषय की चर्चा नहीं है, आपने पहले क्या बोल के आया कि प्रकृति अन्यथा भावो ना कथनचित भविष्य, तो प्रकृति क्या ही आपने बोला, तो अप्रकृत जिस जो विषय मतलब आलोच्य विषय नहीं है, जो विषय जिसको लेकर के विचार नहीं किया जा रहा, जो अप्रकृत मतलब ये जरा मरण का जीव जरा मृत्यु से एक में बोलने लग गया, मतलब अप्रकृत मतलब जो आलोच्य विषय नहीं है जिसको लेकर के विचार नहीं कर रहा, प्रकृति आश्रय मतलब ये प्रकृति इसका आश्रय कौन है, इसको बोलने से क्या लाभ है, अप्रकृतम प्रकृति आश्रय निरूपण, प्रकृति का आश्रय कौन, इसका निरूपण करना ये विचाराधीन नहीं है, प्रकृति का ही आप बोलना चाहते हैं, इसीलिए इति आशंका हो जस अन्यथा भाव बाधिस प्रकृति के अन्यथा भाव, मतलब जहाँ जिस आश्रय में है उस आश्रय में भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग वादियों ने कल्पना की है, इसलिए जस अन्यथा भाव बाद वीर कल्पना अलग अलग वादियों की तरह वो कल्पना किया जाता है, ये हो गया पहला। दूसरे पद इस प्रकार कल्पना करने से क्या नुकसान है, कल्पना किया और उस कल्पना से क्या नुकसान से बोलते हैं प्रश्नांतरम करोती, पहला प्रश्न किया था किसके आश्रय में रहते हैं, दूसरा प्रश्न दूसरा है कि इस प्रकार जीव अपने में ही सोचने से क्या नुकसान है ना, तो इसलिए बोलता है दूसरे प्रश्नांतरम करोती कल्पनायाम वा को दोष इति आह, इस प्रकार कल्पना करने से क्या नुकसान है, तब बोलते हैं जरा मरण निर्मुक्ता जन्म मृत्यु से रहित है, परंतु इस प्रकार चिंतन के फलस्वरूप ये हमारे उपनिषद की यथाक्रतु न्याय है, जैसे संकल्प करे ऐसे ही ऐसा बनते जाएंगे, तद अनुकूल कार्य भी करते हैं, इसलिए वैसे ही बनते जाते हैं। प्रश्न प्रश्नांतरम कल्पना को दोष है, अच्छा था उसके उत्तर में देखे होते तत्र पूर्वार्धम उत्तर तेन व्याकरोति, है ना, इसका आश्रय कौन है, पूर्वार्धम मतलब दो प्रश्न है, जरा मृत्यु से रहित किसके आश्रय में रहता है वो, और जो नहीं होते हुए कुछ कल्पना करने से क्या नुकसान है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं तत्र पूर्वार्थम उत्तर तेन व्याकरोति, ठीक है ना, तत्र पांच नंबर टिप्पणी में देखा, तत्र मतलब इस प्रश्न द्वय दो प्रश्न हुआ, जरा मृत्यु से रहित तो जरा मृत्यु नहीं है किस आश्रय में है वो, और इस प्रकार नहीं रहते हुए भी उस प्रकार चिंतन करने से क्या नुकसान है, इसलिए बोलता है तत्र प्रश्न द्वय दो प्रश्नों में और उत्तरत्वेन मतलब पूर्व से उत्तरत्वेन दो प्रश्न में, पहला प्रश्न क्या है जरा मरण राहित्य की आश्रय कौन है, ये पहला प्रश्न है, तो इसका आश्रय कौन है, जीव, जीव में जन्म मृत्यु नहीं है वास्तविक उत्पत्ति हुई नहीं, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि उत्तरत्वेन पूर्व से मतलब पूर्व से उत्तरत्वेन दो प्रश्न में से पहला प्रश्न के उत्तर के रूप में, पहला प्रश्न के उत्तर के रूप में जो है इसका पहला लाइन आया हुआ है, तब वहाँ पे बोलते व्या करती आह जरा मरण, द्वितीय प्रश्न क्या, इस प्रकार मिथ्या कल्पना से क्या नुकसान है, इस प्रकार जो हमारे पास नहीं है उसको यदि हम कल्पना करते तो क्या नुकसान है, ये तो बोले ना कल्पनायाम वा को दोष, ये दूसरा प्रश्न है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसके आश्रय में, तत्र इन दोनों प्रश्न में पूर्वार्धम पूर्व श्लोक की आधा भाग को पहला आधा भाग को पहला प्रश्न के उत्तर में ग्रंथकार लिखते हैं, पहला प्रश्न के उत्तर में ग्रंथकार व्याकरति आह जरा मरण निर्मुक्ता के सर्वे धर्मा स्वभावत, है ना, स्वरूप से समस्त जीव जन्म मृत्यु से रहित है, ये इसका उत्तर है, जरा मरणादि सर्व विक्रिया वर्जिता इति अर्थ के सर्वे धर्मा, कौन लोग मतलब सर्वे आत्मान जितना जीव आत्म दिखाई पड़ता है, इति ये तत् स्वभावत मतलब प्रकृति, तो स्वभावत मूल में है स्वभावत, उसका अर्थ क्या कर दिया प्रकृति, तो प्रकृति से वो उनका प्रकृति जन्म मृत्यु से रहित है, ये कहना अभिप्राय है वहाँ, प्रकृति तो मतलब स्वरूपत। अच्छा भाई फिर आगे देखिए उत्तरार्थम विभजते, ठीक है टीका की उत्तरार्थ श्लोक के जो अगला आधा भाग उसको जो है विभाग करके दिखाते हैं, सात नंबर टिप्पणी बोलते हैं
विभजते उत्तरस्य उत्तरतेन, समझ नहीं मुश्किल पड़ता, उत्तरस्य उत्तरतेन कितना प्रश्न था, दो प्रश्न था, उत्तरस्य मतलब द्वितीय प्रश्न, द्वितीय प्रश्न के उत्तर के रूप में, उत्तरस्य उत्तरतेन बाद वाले की आंसर के रूप में, उत्तरस्य उत्तरतेन मतलब द्वितीय प्रश्न के उत्तर के रूप में इस श्लोक की द्वितीय लाइन को पढ़ा गया है, द्वितीय प्रश्न के उत्तर के उत्तरस्य उत्तरतेन जरा मरणम इच्छन्त चवन्ते तन्मनीषय, इस प्रकार जो विचार कर इच्छा करेगा ना वासना करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, वो स्वरूपतः जन्म मृत्यु वाला से रहित होने पर भी वो क्या हो जाएगा, उसी प्रकार की स्वप्न देखता है, जन्म स्वप्न है वो इस प्रकार स्वप्न देखता है, इसका एक है एवं स्वभाव संत धर्मा, इस प्रकार से जन्म मृत्यु से रहित होते हुए भी जो जीव जरा मरण इच्छंत मतलब जन्म मृत्यु की इच्छा रखने वाला, इच्छंत इव इच्छंत नहीं है पंत फिर भी इच्छा करते, जिस प्रकार बात में देखिए, अरे मचे विचित्र बात है, मैं भोगता हूँ मैं करता हूँ, कहाँ पे है ये कर्तृत्व भोक्तृत्व, आत्मा में है क्या, मन जड़ है कि चेतन है, जड़ है मन, वो चेतन के आभास के अंदर आभाषित होता है, अपन तो जड़ जड़ में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं, टेबल नहीं कह सकते मैं थोड़ा चल के थोड़ा धूप को खा के आता हूँ ठंडे में तो चलो कहीं बैठा रहना पड़ता है, तब जड़ में भी चेतन, जड़ में भी भोग नहीं है चेतन में भी भोग नहीं है, फिर भी मैं करता भोगता हूँ, ये मिथ्या कल्पना है और उसी कारण कर्मफल भोगना है, चेतन में भी भोग नहीं है, शुद्ध चेतन सर्वथा संग है और जड़ में तो भोग होना संभव ही नहीं है, फिर भी मैं करता भोगता हूँ, और यही जो हमारे लिए कर्तृत्व कारण कर्मफल के भोग के हेतु बन जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि एवं स्वभाव संत धर्मा जरा मरण इच्छंत मतलब इच्छंत इव इच्छंत, जैसे रज्जम इव सर्पम, रज्जु में जैसे सर्प की कल्पना करते हैं इसी प्रकार शुद्ध आत्मा में जीवत्व की कल्पना करते हैं, मनुष्यत्व की कल्पना करते हैं, ब्राह्मणत्व की कल्पना करते हैं, कर्तृत्व की कल्पना करते हैं, बस ये सब कल्पना है, रज्जामिव सर्पम आत्मनि कल्प्यन्त, रज्जु में जैसे सर्प की कल्पना इस प्रकार आत्मा में मतलब जरा मरण की कल्पना करते हुए, जरा मरण विच्छन्न मतलब आत्मनि जरा मरण कल्पयंत च्यवन्ते च्युत हो जाते हैं, है ना, हट जाते हैं, स्वभावत चलंती इति अर्थ, स्वभाव से अपनी जो स्वरूप है, यह दो नंबर टिप्पणी में स्वभावत चलंती होता जरा मरण मंत भवंती, वो जरा मरण वाला जैसा हो जाता है, जैसे कितने बार भी जन्म मृत्यु लो आत्मा में क्या बिगड़ा, कितने बार भी सूक्ष्म शरीर नया नया शरीर लेकर के आता है या फिर नाश करके चला जाता है, आत्मा में क्या बिगड़ा, आत्मा में तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, तो ऐसे ही है, इसीलिए उसमें कोई फर्क, घबराने के भक्त नहीं है इसमें कोई, इसलिए अकल्पयंत शबंत स्वभाव चलंती इति अर्थ, बोलते हैं तन मनीषया मतलब इस प्रकार के विचार मन में बार बार चलने के कारण, जरा मरण तन मनुष्य मतलब जरा मरण चिंतया, मैं अच्छे धर्म कर्म करके मैं स्वर्ग जा करके ये फल भोग करूँगा, जानता है कि इस शरीर से नहीं जा पाऊँगा, इसलिए मैं वही रहूँगा, एक नया शरीर लेकर के मैं स्वर्ग फल ब्रह्मलोक का फल पितृलोक का फल इसका भोग करूँगा, बस जरा मरण ये चिंता या तक चिंता मतलब जन्म मृत्यु की चिंता से तद्भाव भावित दोषण है, तद्भाव भावित मतलब बार बार तत्सत्य संस्कृत दोषण, जैसे चिंतन करते हैं ना वैसे संस्कारित हो जाते हैं, ऐसे ही हो जाता है यहाँ, इस प्रकार से दस नंबर सेकंड प्रश्न का उत्तर है मिथ्या कल्पना में क्या दोष है, अपना स्वभाव से च्युत हो जाए, हाँ जो आपने आप स्वभाव तो जरा मृत्यु से रहित होते हुए बार बार जरा मृत्यु की कल्पना करोगे तो जन्म मृत्यु के स्वप्न देखते रहोगे, हमारा तो यहाँ पे अन्यथा गृहते स्वप्न, ये जो अन्यथा का ही स्वप्न है, तत् निद्रा तत्व मजाना तो अपने तत्व को निद्रा में मतलब माया निद्रा में सो करके मैं जन्म ने मरने वाला हूँ सोचते रहे तो उसे स्वप्न देखते रहते, जड़ भरत तो ज्ञान था लास्ट में, तब जो उनका पूरा ज्ञान होने के ज्ञान रहने के कारण बस कुछ भी कर्म की तरफ उनका हुआ, क्योंकि उनको पता लग गया था कि मैं जन्मांतर में किसी हरिण के प्रति आसक्त होने के कारण मेरे को एक हरिण जन्म लेना पड़ा, फिर एक मनुष्य शरीर लेना पड़ा, यद्यपि भी कुछ उसका प्रारंभ राजा नहुंस के साथ था इसलिए तो उनको एक शरीर लेना पड़ा। अच्छा अब जो है प्रासंगिकम परित्यज्य, अब किसको लेकर के विचार शुरू किया था,
न्याय दर्शन शांको पक्ष को दोष देता है, शांकोवादी न्याय दर्शन को दोष देता है। इस प्रसंग से प्राप्त हो गया था कि ये जो वस्तु जैसा है वो अपने स्वरूप से कभी चुत नहीं। प्रसंग से बता दिया प्रकृति क्या वस्तु है और प्रकृति से हटना संभव नहीं है। अब जो उसको लेकर के विचार चल रहा था, मतलब ये वादी उसको दूषित करता है, ये वादी उसी को दूषित करता है ना। परस्परम विरुद्धन्ते तैरयम न विरुद्धन्ते, उसके साथ हमारा कोई विरोध नहीं है। ये जो अब प्रासंगिकम परित्याज्य टीकम है कि जो प्रसंग से प्राप्त हुआ था कि प्रकृति क्या वस्तु है, तो उसका उत्तर दे दिया। तो प्रकृति परित्याज्य शांख पक्षे, शांख पक्ष में वैशाषिक आदि फिर उच्चमानम दूषणम, वैशाषिक न्याय दर्शन और उसके फॉलोअर लोग जो शांख पक्ष में दोष देते हैं, उस दोष का उच्चमानम दूषणम अभ्यनुज्ञतम, जो सम्मत है, जो वेदांत इसको मानते हैं, इसे सम्मत अनुभाषा, तो इसको दोबारा बोलते हैं। प्रासंगिकम परित्याज्य, प्रसंग से प्राप्त हुआ था प्रकृति क्या वस्तु है, उसको वो कथन करने के बाद शांख पक्षे वैशेषिक आदि भी शांख पक्षों में वैशेषिक न्याय अथवा उनके अनुयायी लोगों के द्वारा उच्चमानम दूषणम, जो दोष को कहा जाता है अभ्यनुज्ञातम, जो वेदांत सम्मत है अनुभाषा, तो उसको दोबारा बोलता है उच्चमानम, पैसिव पार्टिसिपल बद्धत्व का पैसिव पार्टिसिपल जो कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर टिप्पणी है, एक अभ्यनुज्ञात 8 नंबर अभ्यनुज्ञात मत सम्यतम, जो वेदांत उसको मानते सम्मत है, वेदांत भी सम्मत है, शंख नहीं मानते परंतु न्याय वैश्विक और वेदांत अन्यवाद उनको मानते अभ्यनुज्ञानते। अच्छा अब जो है श्लोक को पढ़ेंगे। कारणम यस्य वै कार्यम, कारणम यस्य वै कार्यम, कारणम तस्य, कारणं तस्य जायते, कारणं तस्य जायते, जायमानं कथं नित्यं भिन्नं, सॉरी जायमानं कथं अजं, जायमानं कथं अजं, भिन्नं नित्यं कथं चत, भिन्नं नित्यं कथं चत, कारणं यस्य वै कार्यम्, कारणं तस्य जायते, जायमानं कथं अजं, भिन्नं नित्यं कथं चत। अब क्या बोलते हैं शांखवादी, क्या बोलते हैं, कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है, वो परिणामवादी है। कारण कार्य रूप में परिणत होते हैं, जैसे मृत्यु का घड़ा रूप में परिणत होता है, दूध दही रूप में परिणत होता है, ये शंकर वहाँ पर विद्यमान रहता है, मतलब कार्य कारण में कार्य रूप से विद्यमान भी रहता है। अब जिसकी सिद्धांत के अनुसार कारणम जस्य वै कार्यम, कारण ही कार्य रूप में दिखाई पड़ते हैं, तब क्या हो जाएगा, कारण यदि नित्य है तो कार्य भी नित्य हो, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि कारण नहीं उत्पन्न होता तो कार्य को भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। शंकरवादी क्या बोलते हैं, कारण नित्य है, कारण जो है, कारण जो है कार्य रूप में उत्पन्न होता है, प्रकृति को नित्य मानते हैं, प्रकृति को नित्य मानते हैं, उसको उत्पत्ति नहीं मानते, प्रकृति की उत्पत्ति नहीं मानते, और प्रकृति क्या होता है, अहंकार आदि रूप में उत्पन्न होता है, फलत ये विरुद्ध कथन है। इसलिए बोलते हैं कारणम जस्य वै कार्यम, जिनकी सिद्धांत के अनुसार कारण ही कार्य रूप में दिखाई पड़ते हैं, कारणम तस्य जायते, आपने बोला कारण की उत्पत्ति नहीं होती परंतु उसका कारण ही तो उत्पत्ति हो रहा है, कारण ही तो कार्य रूप में दिखाई दे रहा है, कारण कार्य रूप में उत्पन्न हो गया, यानी कि आपका सिद्धांत मूल सिद्धांत यहाँ नहीं होगी। कारणम जस्य वै कार्यम, कारणम तस्य जायते, ठीक है। अब दूसरा बोलता है जायमानम कथम, अब जो आप मान लीजिए जो वस्तु उत्पन्न हुआ वो फिर जन्म रहित कैसे हो सकता है, जायमानम कथम अजम, इधर आप स्वयं बोल रहे हो, क्या बोलते हैं, प्रकृति मतलब उसका जो प्रधान, वो प्रधान ही अहम तत्व महत्त्व अहम तत्व आदि रूप में परिणत होकर उत्पन्न होते हैं। अब इधर बोल रहे हो कि प्रधान की उत्पत्ति हो रही है, ऐसा बोलते हैं प्रधान अजम, जायमानम कथम अजम, जिसकी उत्पत्ति हो रहा है अजय कैसे कह सकते हो आप उसको, एक नंबर। दूसरी बात क्या है, अब ये जो प्रकृति को आप बोलते हैं, प्रकृति सावयव वस्तु है, क्योंकि वो जो है तीन गुण का समन्वय है, तो सावयव वस्तु है, सावयव वस्तु संसार में नित्य नहीं देखा गया, सावयव वस्तु अनित्य ही होता है, तो भिन्नम नित्यम कथम चचत, भिन्नम मतलब सावयव, जब सावयव वस्तु है तो नित्य कैसे हो सकता है, तो ये जो आपने प्रकृति को अजय भी माना नित्य भी माना,
परंतु आपका सिद्धांत में ये व्याघात हो रहा है, आपने अपना सिद्धांत में ये व्याघात हो रहा है। इसलिए बोलते हैं जायमानम कथम अजम भिन्नम नित्य कथम तदम, जो भिन्न मतलब भेद वाला सावयव वस्तु वो नित्य कैसे हो सकता है, कथम चतर तो कैसे हो सकता है। वहाँ पे देखिए इधर कारणम जस्य वे कार्यम कारणम तस्य जायते, जिसकी सिद्धांत के अनुसार कार्य कारण कार्य कारण अभिन्न है। यदि ऐसा ही तुम मानते हो तब क्या हो जाएगा, कारणम तस्य जायते उसका कारण ही उत्पत्ति हुआ ये कहना पड़ेगा। अब जब कारण उत्पत्ति हुआ जरा बोलते कारण अज है, ये कैसे हो जाएगा। और फिर जो है आप उत्पत्ति को नित्य भी मानते हो, जब वो सावयव वस्तु है नित्य कैसे होगा, कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया। इसीलिए कैसे आप आपका सिद्धांत में आपकी मतलब व्याघात दोष है, आप बोलते कुछ हो और आपका मान्यता कुछ और है, ये जो है पवित्र। इधर देखिए एक नंबर जायमानम कथम अजम, अजम मतलब नित्यम, जो वस्तु उत्पन्न हुआ वो नित्य कैसे हो सकता है। जायमानम कथम अजम, उत्पत्ति हो रहा है जो वस्तु नित्य कैसे हो सकता है, जब कृतकम तद अनित्यम, जो कृतक वस्तु होते हैं तो अनित्य होते हैं। अच्छा और फिर जब भिन्नम नित्यम कथम चत, भिन्नम मतलब भेद विशिष्टम, वो तो भेद के तरह विशिष्ट है, सत्य रज तमो तीन भेद से मिला हुआ है वहाँ पे, वो कैसे नित्य हो सकता है, वो कैसे नित्य हो सकता है। अजम शब्द का भी अर्थ और फिर दूसरी बात अभिकारी हो तो अभिकारी मतलब कुटस्थ नित्य नहीं मानते, परिणामी नित्य मानते हैं शंख प्रकृति को। अब देखिए यहाँ पे आनंद गिरी आगे क्या लिखते हैं, कारणस जायमानत्य का हानि, जो कारण है यदि उसका भी मतलब वो चीज वो भी उत्पत्ति हो रहा है यदि ऐसा दिखाई, इसमें नुकसान क्या है। कारणस्य जायमानत्य का हानि, उसमें नुकसान क्या है, इति आशंका है। जायमानस्य कथम अजम, यदि उपश्रंकवादी बोलता है कारण कारण ही आपका हम तत्व हम तत्व में परिणत होता है, यदि ऐसा माने तो क्या नुकसान है। बोलते जब जब तुम बोल रहे हो स्वयं वो उत्पन्न हो रहा है अहम तत्व महत्व, फिर उसको अजय क्यों बोलते हो, उसको जवाब बोलो। तो इसलिए बोलते हैं कि जायमानम का कारणस्य जायमानत्य का हानि, कारण जो है वो यदि जायमान धर्म वाला उत्पत्तिशील धर्म वाला है तो उसका नुकसान क्या है। इतिहासन कहते हैं जायमान कथम अजम, जो पैदा होगा वो नित्य कैसे हो सकता है, जन्म रहित कह सकते हैं। एक दूसरी बात क्या है कि जो सा अवयवत्वाच प्रधानस्य नित्यत्व अनुपत्ति रीत, प्रधान सावयव वस्तु है क्योंकि सत्य रजतम तीन गुण से मिले सावय वस्तु है, तो जब तीन गुण से मिला हुआ वस्तु सावय वस्तु है, प्रधानस्य सावयवत्वाच प्रधानस्य नित्यत्व अनुपत्ति, सावय वस्तु नित्य होते नहीं दिखाई दे, नित्य नहीं होता। प्रधान क्या है, प्रधान मतलब तीन गुण की साम्य अवस्था को जो सप्रधान शंख दर्शन में जो मूल जगत की मूल उपादान कारण माना हुआ प्रधान है, प्रधान मतलब तीन गुण की साम्य अवस्था को बोलते हैं, तीन गुण की साम्य अवस्था उसको उसको सत्य मानते हैं, पारमार्थिक सत्य वस्तु मानते हैं। प्रधान और पुरुष ये दो तत्व मानते हैं शंखवादी, प्रधान और पुरुष है ना, प्रधान जो एक है व्यापक है और नित्य है, और पुरुष जो है अनेक है व्यापक है नित्य है। तो ये उनके मुख्य सिद्धांत है। तो प्रधान मतलब ये होता है जो किसी का और जो किसी का विकार नहीं है परंतु उससे विकार उत्पन्न होता है, प्रधान किसी का विकार नहीं है, मूल प्रकृति है वो, मूल प्रकृति है वो किसी का कार्य नहीं है परंतु उससे कार्य उत्पन्न होता है, वही उत्पन्न होता है तो परिणाम आ गया, मृत्यु का ही घरा रूप में उत्पन्न हो ये वो कहते हैं। जब मृत्यु का घरा रूप में उत्पन्न या प्रकृति आपका महान तत्व रूप में उत्पन्न हुआ तो आज कैसे बोल रहे उसको, वो तो इस रूप में उत्पन्न हुआ। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं सावयवत्वाच प्रधानस्य, प्रधान सावयव होने के कारण में नित्यत्व अनुपत्ति, उसमें नित्यत्व धर्म होना संभव नहीं, इति अभिन्नम नित्यम कथम चतत, वो सावयव होते हुए नित्य कैसे हो सकता है। यहाँ तक मतलब आनंद गिरी जी ने श्लोक की अर्थ कर दिया। अब श्लोक से तात्पर्य भगवान भाष्यकर अभी श्लोक की तात्पर्य जब कहते हैं, श्लोक में क्या तात्पर्य है, कथम भाष्य में कथम इस ये प्रतीक तो इस मान्य में आया हुआ है और भाष्य इस मान्य में है, ठीक है। कथम सद जातिवादी भी सांख्य अनुपन्नम उच्यते, कथम सद जातिवादी भी सांख्य अनुपन्नतम उच्यते इति अहो वैशेषिक, मतलब सबसे जन्म होता है इस प्रकार बोलने वाले सांख्यवादियों के द्वारा अनुपन्नम उच्यते, जो उनके द्वारा जो कहा जाता है इति आहो वैशेषिक, कैसे उनके सिद्धांतों में अयुक्तिहीनता इसको जो है वैशेषिक लोग कहते हैं। कथम सत जातिवादी वीर शंखित,
सत सत से उत्पन्न होने वाले उत्पत्ति होते हैं इस प्रकार कहने वाले सांख्यवादियों के द्वारा अनुपपन्नम उच्चते, उनके द्वारा जो कहा जाता है वो युक्तिहीन है, ये कैसे है ये कहा जाता है, इति आह युक्तिहीन तो कहा जाता है, कैसे वो युक्तिहीन बात करते हैं कौन सांख्यवादियों के द्वारा, युक्तिहीन बात कैसे किया जाता है सांख्यवादियों के द्वारा, अयुक्तिक वाक्य कैसे किया जाता है वो वैशेषिक दिखा रहे हैं। सांख्यवादियों के द्वारा अयुक्तिक वाक्य कैसे कहा जाता है वो वैशेषिक लोग दिखा रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं कथम षड्जातिवादी भी सांख्य अनुपन्न उच्चते, मतलब अनुपन्न युक्तिहीन वाक्य, सांख्यवादियों के द्वारा युक्तिहीन वाक्य कैसे कहा जाता है इति आह वैशेषिक, वो वैशेषिक लोग दिखाते हैं, देखो तुम कहाँ युक्तिहीन वाक्य बोलते हो, तो तुम बोलते हैं ठीक है। कथम षड्जातिवादी भी सांख्य सत से उत्पत्ति मानने वाले सांख्यवादियों के द्वारा अनुपन्न उच्चते युक्तिहीन वाक्य कहा जाता है इति आह वैशेषिक, इस वाक्य उसको दिखाते हैं कौन वैशेषिक लोग दिखाते हैं, क्या बोलते हैं कारणम जस्य वैकार्यम कारणम तस्य जाय। अब उसी का अर्थ भगवान भाष्यकार लिखते हैं, तत्र प्रथम पाद अक्षराणि योजयन्ति, है ना, इस विषय में छह नंबर टिप्पणी मत सांख उक्ति अनुपन्नतम एव, सांख के कथन युक्तिहीन है इस विषय में, इस तत्र प्रथम पाद अब श्लोक के जो पहला पाद है उस अक्षर को व्याख्या करते हैं भगवान भाष्कर। पहला पाद क्या है कारणम जस्य वैकार्यम, मतलब कारण ही कार्य रूप में दिखाई पड़ते हैं, तब कारण के कौन कार्य में आएगा, कारण के कौन कार्य में आता है, तो आपको जो है यदि कारण अज है तो कार्य भी अज होना चाहिए, हमारे पथ में भी ये दोष है। वेदांतिक जगत के मूल कारण को क्या मानते हैं, चेतन की जड़, चेतन मानते हैं, और जगत तो सारा जड़ दिखाई पड़ता है, तो ये उपादान कारण कैसे होगा, निमित्त कारण और उपादान कारण, निमित्त कारण तो चेतन है ठीक है, निमित्त कारण चेतन हम ईश्वर को लेकर के सिद्ध कर देंगे, तो हम आप उनसे पूछते हैं ये बोलो कार्य की सारा कारण की सारा गुण कार्य में आता है कि एक अधिक गुण आता है कि कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं, किसी बात के सिद्धांत को लेकर के देख लो, किसी बात के सिद्धांत को लेकर के देख लो कि जैसे परमाणुवाद में वो परमाणु परिमाण है, जो द्रणुक में आता है तो परिमाण अब तो बदल जाता है उसका नहीं रहता है, सांख्यवादी में ऐसा है जो उसका साम्य अवस्था है, जैसे महतादि आकार में परिणत होता है और साम्य अवस्था टूट जाते हैं, ये सभी वादियों में ये दोष है, वेदांतियों में भी, परंतु वेदांति में क्या है हम ये बोलते हैं हमारी चेतना तो इसमें भी है, चित्त है या सच्चिदानंद यहाँ भी है, परंतु उसका चेतना थी अभिव्यक्ति के कारण नहीं, बस इतना ही मात्र भिन्नता है, और दूसरी बात उसका चेतना था अभिव्यक्ति का कारण नहीं, करण करण कारण नहीं है, करण नहीं है, करण नहीं है, इस शरीर में किसी किसी शरीर में करण रहता है, किसी शरीर में करण जो है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार करण अभिव्यक्त नहीं हो पाता, पत्थर योनि में शारीरिक पाप करने से पत्थर योनि मिलता है, वहाँ पे क्या होता है करण अभिव्यक्त नहीं होता, उसका दृष्टांत हल्ला है ना, उसका दृष्टांत हल्ला है, तो ये जो है तो वो एक योनि था, भोग योनि था, भगवान राम जी ने उनको उद्धार किया, परंतु पत्थर जैसे पड़ा रहा, इसीलिए वहाँ भी हमारे सिद्धांत के अनुसार चित्त की अभाव कहीं नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे तो अलग बात है, वो अलग बात है, और दूसरी बात यह है कि सारा धर्म आता है कि तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार भी सारा धर्म नहीं आता है, तो हमारे यदि नहीं आया तो क्या, परंतु हमारा सच्चिदानंद तो आया हुआ, संसार में कौन ऐसा वस्तु नहीं है जो है रूप में चित्र रूप में आनंद रूप में नहीं है, शर में उद्गुण आया हुआ है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कारणम मृदवत, कारण मृदवत उपादान लक्षणम तस्य वादिन वही कार्यम, उसका जो उपादान है उपादान कारण वही कार्य रूप में दिखाई पड़ते हैं, उपादान कारण ही कार्य रूप में दिखाई पड़ते हैं परिणत होकर, शंकुवादी का सिद्धांत है ये, शंकुवादी का सिद्धांत है ये बोलते हैं कारणम मृत्तिका के समान, मृत्तिका होगा दृष्टांत, मृत्तिकावत उपादान लक्षणम जस जो उपादान कारण है जस वादिन वही कार्यों का वही कार्य रूप में दिखाई पड़ता है, ये जिस वादी वही मतलब निश्चय अर्थ में है, इस बात का सिद्धांत कारणम एवं कार्य आकारेण परिणमते, उसका सिद्धांत क्या हो गया कार्य ही कारण रूप में परिणत होता है, मृत्तिका ही घड़ा रूप में परिणत होता है, पत्थर ही मूर्ति रूप में परिणत होते हैं, ये परिणत होने का काम कौन करता है मृत्ति कुंभकार अथवा कलाकार हो ऐसे करते हैं, कारणम एवं कार्य आकारेण परिणमते तस्य वादिन उस वादी के मत में कारण ही कार्य रूप में दिखाई दे रहे हैं, अब जो है कारण में आपने अज माना तो आपको कार्य भी कार्य कारण रूप में परिणत होता है या कारण कार्य रूप में परिणत होता है,
कारण लिखा है, कारण में वो कार्य कारण परिणाम थी, कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है। कार्य वो ये जो आप बोल रहे हैं ये लय काल में होगा। कारण कार्य, कारण कार्य रूप में परिणत होता है उत्पत्ति काल में, और ठीक इसका विपरीत कार्य कारण में लय प्राप्त कर जाते हैं प्रलय काल। हाँ विज्ञान भी इतनी का है, इसमें तो कोई ही नहीं है। तो कार्य कारण में वतन कारण में लय प्राप्त करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है कि बोल रहे हैं कि ये कार्य कारणम एव कार्य आकारेण परिणामते, कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है। तस्वादनुष्वादी के मत में इति अर्थ। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसके इसमें दोष क्या हुआ, यदि ऐसा हो तो नुकसान क्या हुआ, नुकसान यही है। तस् अजम एव सत् प्रधानादि कारणम महतादि कार्य रूपेण जायते इति अर्थ। तो आपने क्या किया, प्रधान को अज माना और आप क्या बोल रहा है, वो महतादि रूप में उत्पन्न होता है। व्याघात दोष नहीं हुआ तुम्हारा, इधर बोलते हो कि प्रधान अज है और प्रधान ही महत रूप में उत्पन्न हुआ है, तो वो कैसे अज रह गया। इसलिए ये तुम्हारी सिद्धांत में कमी है। हम ठीक है, हम वेदांती ये बोलते हैं, हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारा परिणामवाद नहीं है, हम विवर्तवाद है। माया से कल्पित है वस्तु, परिणत नहीं वस्तु, एज इट इज रह जाता है। इसलिए बोलते हैं तस् अजम एव सत, वो सत प्रधान, प्रधान आदि मतलब प्रधान के साथ उसका जो गुण जो अभी मानते हैं वो सब जो है अज होते हुए भी क्या होता है, कारण वो कारण महतादि कार्य रूप में महतत्व अहम तत्व रूप में परिणत होता रहता है, रूप में जायते इति अर्थ। उनका कहना हो जाएगा। तो अब प्रश्न होता है, यदि महतादि आकारेण चेत जायमानम प्रधानम, वो प्रधान महतादि आकार से यदि उत्पन्न हो रहा है, कथम अजम उच्चते तही, तब उसको अजय क्यों बोलते हैं उन लोगों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा उसको अजय क्यों कहा जाता है, बोलो कि वो जय है। इसलिए बोलते हैं कथम, ये इसमें थोड़ा लॉजिक अधिक आएगा, किसमें अलग शांति प्रकरण, उनके सिद्धांत को खंडन करने के लिए लॉजिक इसके आधार पर क्या बोला। आप इसमें बोला ये अजय है और इधर क्या कहे, तो ये जो परिणत होकर के पद महता दिया करने, ये जो अजय कहाँ से रहेगा, ये व्याघात दोष। इसलिए बोलते हैं महतादि आकारेण चेद जायमानम प्रधानम कथम अजम उच्यते तहीर, उन लोगों के द्वारा ये जन्म कैसे बोले, विप्रतिषिद्धम चैदम, ये जो है विपरीत विरुद्ध कथन है, ये जायते अजम च, ये विरुद्ध कथन है, अजय भी है या पैदा भी होता है, ये दोनों विरुद्ध कथन है, ये व्याघात तो बदत तो व्याघात दोष है, सिद्धांत का तो व्याघात है ये जो है। इसलिए इनके सिद्धांतों को एक एक कौन बोल रहे हैं, सांख्यवादी के, कि सांख्यवादियों के सिद्धांत में क्या अयुक्तिकता है, सांख्यवादियों के सिद्धांत में क्या अयुक्तिकता है, उसको नए वर्ष सिद्ध दर्शन बोल रहे हैं। हम तो केवल साक्षी रूप में देखते रहते हैं, हम तो केवल साक्षी रूप देखते, चलो लड़ जाओ इससे फिर जो तुम्हारी अभिवादित स्थान होगा उसका हम अनुमोदन कर देंगे, बस ये तुम यही तो बोल रहे थे कि इससे इस प्रकार जन्म नहीं हो सकता, तुम बोलते इससे जन्म, हाँ भाई ठीक बोल रहे, यानी कि जन्म नहीं हो सकता, तुम भी बोल रहे हो ये भी बोल रहे हैं, हम भी तो यही बोलते हैं, इस जगह पे जाए इस जगह पे ठीक है। अच्छा भाई यहाँ तक तो हो गया पहले, अब महतादि आकार न चे जायमानम प्रधानम, महतादि आकार से यदि प्रधान उत्पन्न होता है, जायमान मतलब उत्पत्ति हो जाता है, कथम अजम उच्चते, तो फिर अजय कैसे रह जाएगा, तो ये विश्व विप्रति सिद्धम उनके द्वारा इस प्रकार विरुद्ध कथन किया जाता है, चम विप्रति सिद्धम च इदम, ये जो है विरुद्ध कथन वहाँ पे कम कर देना, फिर जायते अजम च इति, क्या विप्रति सिद्धम है, वो जो है जन्म रहित भी है और उत्पत्ति भी होता है, ये जो है ये विरुद्ध कथन। अच्छा और केवल इतना ही नहीं, नित्यम च तैरुच्यते यत कृतकम, जो पैदा होगा वो जातस्य भी ध्रुवम जन्म ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम मृत्यु जात जन्म जातस्य च, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो जो उत्पन्न वो मरेगा और जो मरा है वो फिर दोबारा पैदा होगा ज्ञान नहीं होने के कारण, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कहाँ का है इसको, भगवद गीता द्वितीय अध्याय है ना, भगवद गीता द्वितीय अध्याय। तो जब ये सिद्धांत है तो नित्यम तय रुच्य, तो नित्य भी है जन्म भी रहता है नित्य भी होता है, तो मुख्य सिद्धांत ही विरोध है, नित्यम च तय रुच्य, ये पहला दो दोष हो गया उनके। अच्छा फिर आगे, अब प्रधान को क्या मानते हो तुम, सत्य रजतम गुण के साम्य बस तीन गुण मिल करके होते हैं, यानी कि वो सावयव वस्तु है, सावयव वस्तु है। प्रधानम भिन्नम, भिन्नम मतलब विदीर्णम स्फुटितम एक देशेनम, इस प्रकार घरा की एक देश मतलब एक, आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ओनली वन साइड दिखाई पड़ता है,
एक देश से आप फिर वस्तु की कंसेप्ट माइंड में रहते हैं तो आप पूरा कल्पना कर लेते हैं। कभी भी कोई वस्तु दिखता है हमको, घड़ा भी देखेंगे, पट भी देखे, पट ये भी देखे, जैसे कपड़ा तह लगा करके रख दिया, आप वो कपड़ा की तह लगा देख करके कुर्ता है कि पैंट है कि साड़ी है, अब अंदर से लगा फिर खोल के देखते हैं, तो एक देशी दिखे एक मतलब विधीन स्फुटितम एक देश है ना, जो स्पष्ट रूप में केवल मात्र एक देशी दिखाई पड़ते हैं। सर कथम नित्यम भवेत साव वस्तु नित्य कैसे हो सकता है, ये दूसरी दोष है उनकी मत अधिक प्रधानम भिन्नम, ये जो है ना जो दूसरा भिन्नम नित्य कथम च तत् है ना, कथम तत्त प्रधानम नित्यम भिन्नम अपि नित्यम कथम भवेत तत्प्रधानम भिन्नम अपि सन कथम नित्यम भवेत, इसको बोल के प्रधानम भिन्नम विदीर्णम स्फुटितम एक देशे न, चार नंबर टिप्पणी बोल रहे हैं, स्फुटितम मतलब विभक्तम सावयव समूहार्थ विभक्त असावयव एक साथ दिखाई पड़ते हैं वो, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं एक देश न सब एक इस प्रकार एक देश से विद्यमान रहते होता दिखाई देते कथम नित्यम भवे तो नित्य कैसे हो सकता है, क्यों क्या नुकसान हो गया, बोलता हमको संसार में ऐसा एक वस्तु दिखा दो जो सावयव है और नित्य है। महाराज प्रधान से महत्तत्व आता है या महत्तत्व से प्रधान? नहीं नहीं, प्रधान से महत्तत्व आता है, तब प्रधान का कोई ये नहीं है जो अजय बोल रहे हैं, प्रधान अजय है, प्रधान से वो आया। अरे क्योंकि हम बेहद मुश्किल बात है, प्रधान से महत्तत्व की उत्पत्ति हुई, हाँ। तो प्रधान की उत्पत्ति नहीं होगी, प्रधान ही तो महत्व रूप में परिणत हुआ, प्रधान ही महत्व रूप में परिणत हुआ, हाँ। इसीलिए जिस प्रकार मृतिका घरा रूप में परिणत हुआ तो मृतिका की घरा रूप में उत्पत्ति हुई, ये इसको यहाँ पे बोल रहे हैं, ये अभिप्राय से बोल रहे हैं, न ही सा अवयवम घटादि एक देश स्फुटन धर्मी नित्यम दृष्टम लोके इति अर्थ है, क्योंकि सावयव जो घटादि वस्तु जो एक देश में स्फुटित होता है वो नित्य वस्तु तो कहीं नहीं दिखाई दिया है, ऐसा कोई भी एक दृष्टांत आप नहीं दे सकते हो, नहीं सावयव घटादि एक देश स्फुटन धर्मी नित्यम दृष्टम, मैं भी पहले सोचता था वो तो ठीक ही बोल रहे हैं, वो तो प्रधान को तो अजो बोल रहे हैं तो प्रधान की तो उत्पत्ति नहीं होती, अरे भाई प्रधान की उत्पत्ति हुई तो अपने आप ही तुम बोल रहे हो प्रधान महतादि रूप में परिणमते, प्रधान महतादि रूप में परिणत होता है, प्रधान महत्व में उत्पन्न हुआ तब वो अजो कैसे रह गया, वो कैसे रहेगा, जब तक उनके सिद्धांत के अनुसार प्रधान किसी का विकार नहीं है इतना तो ठीक है, परंतु प्रधान मूल प्रकृति है वो किसी का कार्य नहीं है, परंतु प्रधान तो कार्य रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए वो अजो कैसे रह जाएगा। विदीर्णम च शायद एक देश न अजम नित्यम च, माना वो विदीर्ण है मतलब वो क्या होता है कि सावयव वस्तु है और होते हुए और एक देश से वो दिखाई भी पड़ता है, वो अजम नित्यम जो कैसे हो सकता है वो यहाँ पे बोलता है विधि पांच नंबर टिप्पणी, विधि मतलब विभक्तम, जैसे घरा को कैसे दिखाई पड़ता है, नीचे एक आधार उसके बाद एक पेट फिर एक कम्बुद्र व गला, ये सब अलग अलग जो है अवयव रूप में दिखाई पड़ता है, इसलिए हमें बोलते हैं एक देश में, इसीलिए बोलते हैं विभक्तम अलग अलग करके ऐसा जो दिखाई पड़ता है अवयव रूप में वो नित्य कैसे होता है, विदीर्णम विदीर्णम च शायद एक देश है ना एक देश से स्फुटित अजम नित्यम च, यही उनके कथन में युक्तिहीनता है। एतद् विप्रतिषिद्धं तैरभिधीयते, इस प्रकार से उन लोगों के द्वारा विरुद्ध कथन किया जाता है, एतद् विप्रतिषिद्धं इस प्रकार की विरुद्ध कथन तहि मतलब उन लोगों के द्वारा अभिधीयते कहा जाता है इति अभिप्राय, ये इसका ठीक है, ये हो गया आपका भाष्य ने बता दिया श्लोक दिया, अब टीकाकार देखिए श्लोक क्या बोल रहे हैं, श्लोकस्य तात्पर्य है ना, टीका में श्लोक की तात्पर्य जो कहते हैं जो हमने कथम करके बोले थे, कथम सज्जातिवादी भी सांख्य अनुपन्नम उच्यते इति आह वैशेषिक कारण मृदवत, इस दृष्टांत को पहले दे दिए, मृतिका में कैसा होता है, मृतिका अपने आप जन्म रहित होने पर वही जन्म रूप में घर परिणत होकर घर रूप में दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार दृष्टांत दिए, तत्र प्रथम पाद अक्षुणानी योजयति, इन दोनों में छह नंबर मतलब शांख उक्त युक्ति हुनता के विषय में प्रथम पाद के अक्षर को वहाँ पे अन्वय करके दिखाते हैं, कारणम ये जिस पन्न में आया हुआ है, कारणम जस्व विकार्यम कारणम तस्व जायते मूल, अच्छा तदेव स्पष्ट यति, उसी को स्पष्ट करके कहते हैं यहाँ पे कहते कारणम एव कार्य आकार इस पन्न में कमांडिडेट पद फर्स्ट लाइन पे देखिए, कारणम एव कार्य पहले में है, कारणम पहले जो कारण है वहाँ पे ये जो है मूल में भी ले सकता है अथवा भाष्य में कारणम, तो वहाँ पे कारणम वहाँ पे आ जाएगा,
और फिर अत्यधिक स्पष्ट अति कारणम एव कारणम जी कैसे बोला कारणम एव कार्य आकार परिणमते तस्वादी ने अनुवादी के मत में कारण ही कार्य रूप में परिणत होते हैं मतलब उत्पन्न होते हैं कारण परिणमते उस बात तस्वादी ने अर्थ ये उसका विपरीत अर्थ है शतब बोलते हैं यहाँ पे द्वितीय पादम विभजते द्वितीय पद क्या है गया वहाँ पे कारणम तस्व जायते है ना आप कारण अजो बोलता है उसका उत्पन्न हो रहे इसे बोलता कारणम तस्व जायते ये जो शास्त्रार्थ होता है ना इसको जो है एक छल जाति और निग्रहस्था छल मतलब क्या होता है आपने कुछ शब्द को प्रयोग किया और उस शब्द का जो दूसरा अर्थ है हमने उस दूसरे अर्थ को लेकर आपने भिन्न अर्थ में प्रयोग किया और उस जैसे प्रकार जो भगवान भाष्यकार जब वहाँ पहुँचे कहाँ मंदिर मिश्र घर में पहुँचे तो दरवाजा जैसे बंद था भाष्यकार ने ऊपर से आया तो मंदिर मिश्र ने पूछा कुतो मुंडी मतलब कहाँ से आया उसने तो ये था तब बोलते आ गला उत्तर क्या दिया गला तक मुंडन किया हूँ कुतो प्रश्न किया था अरे हे सन्यासी तो कहाँ से आ गया यहाँ पे ये प्रश्न था उनका बोलता उत्तर क्या दिया मैंने तो मुंडन गला तक मुंडन किया यहाँ तक उसको इसको बोलते छल मतलब प्रश्न की क्या ये नहीं भाष्यकार को पता नहीं लगा ये बात नहीं है भाष्यकार को उसको जो उच्च उत्पन्न प्रकार बोलते छल जाति मतलब सधर्म वैधर्म को दिखा करके निग्रहस्थान हमने कुछ बोला आपको समझ में नहीं आया प्रतिज्ञा वाक्य को समझ में नहीं आया तो निग्रहस्थान हो जाता है ये जो है ये हमने आप लॉयर तो अच्छे जानते होंगे कैसे शब्दों को पकड़ करके कैसे उत्तर देते सब सब ये बोल रहे यहाँ भी ऐसे ही जो है शब्द अजो बोला तुमने उसको अभिप्राय ये था कि प्रधान अभिकार मतलब किसी का विकार कार्य नहीं है प्रधान को अजो कहने के पीछे मतलब जैसा आप बोल रहे थे प्रधान किसी का कार्य नहीं है ये कहना चाहते हैं परंतु अजो बोल दिया तो प्रधान अब इस रूप में परिणत होता है किस रूप में मोहतादी रूप में प्रतिजी अजो कैसे रह जाएगा वो इस अभिप्राय से बोल रहे तदेव द्वितीय पादम विभजते द्वितीय पाद में क्या हो गया कि कारणम तस्य जायते उसका कारण तो उत्पन्न होता है तस्य अजम एव सत् प्रधानादि भाष्य में देखिए तस्य अजम एव सत् प्रधानादि वो प्रधान सब अज होते हुए भी कारण महतादि का जो कारण सस्य अजम एव सत् प्रधानादि कारण भी है मूल ये कह जाएगा महतादि कार्य रूप में न जाए तो महतादि कार्य रूप उत्पन्न हो जाता है तब अजो कैसे रह जाएगा वो ये उनका अभिप्राय क्या था प्रधान किसी का विकार नहीं है उसके लिए अज शब्द जैसा भी बोल रहे अज शब्द प्रयोग अब तुमने बोला अज परंतु तो ज है उससे मौत अधिक उत्पन्न होता है इसीलिए तुम्हारे सिद्धांत ही गड़बड़ है यहाँ पे जब प्रधान आदि इति आदि शब्द देना तत् अवयवा सत्तादय गृहंते वहाँ पे कहाँ पे है प्रधान सत ये तस्य अजम एव सत प्रधान आदि वहाँ पे जो आदि शब्द आया आदि से क्या है उसका जो है तीन सत्तर जतम गुण है बुद्धि उत्पत्ति होते समय सप्तगुण की अधिकता रहते हैं और जब अहंकार उत्पन्न होता है तो रजगुण की तो अधिकता हो जाता है ये सब परिणत होता रहता है सब परिणत होता रहता है और जब परमात्र बुद्धि में सत्वगुण का अधिकता बुद्धि जिस समय उत्पत्ति परिणत होता है उस समय सत्वगुण की अधिकता होती है और फिर जब अहं तत्व आते हैं तब उस समय रजगुण की अधिकता होता है जिस समय तन्मात्र आदि आते हैं उस समय तमोगुण की अधिकता होती है ना तन्मात्र मतलब शब्द तन्मात्र स्पर्श तन्मात्र ये तन्मात्र शरीर तो भौतिक है शरीर तो भौतिक है तन्मात्र से नहीं इंद्र सूक्ष्म शरीर तन्मात्र जिनके तो इस प्रकार से जो है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रधान आदि इति आदि शब्द न तद अवयव सत्तादय गृहण तो उसके अवयव सत्यम उसको ग्रहण किया जाता है फिर आगे है महतादि कार्य रूपे न जायते वही प्रधान जो है महतादि कार्य रूप से उत्पन्न होता है वहाँ पे महत आदि से क्या लेना है महत आदि इति आदि शब्द न अहंकार आदि ग्रहण वहाँ पे आदि शब्द के द्वारा क्या हो जाएगा अहम तत्व पंच तन्मात्र ये सब ग्रहण हो जाएगा वहाँ पे अब तृतीय पद ठीक है ऐसा कहा तो नुकसान क्या हो गया तब वहाँ पे बोलता है तृतीय पादम व्यय करती तृतीय पद महतादि आकारे न चेत जायमानम प्रधानम प्रधान यदि महतादि रूप से उत्पन्न होता है कथम अदम उच्चते तही तब फिर उसको अजय कैसे बोल सकते उसको ये जो है आपका जायमानम कथम अजम तृतीय पद की व्याख्या ये हो गया जायमानम कथम अजम जिसकी उत्पत्ति हो रहा है और वो जन्म रहित वे कैसे कह सकते हो आप इसलिए बोलते हैं महतादि आकारे न चेत जायमानम प्रधानम कथम अजम उच्यते तही पुण्यगुण का द्वारा जन्म रहित ऐसे कैसे कहा जाता है विप्रतिषिद्धम चैतम ये विरुद्ध कथन होता है ये विरुद्ध कथन होता है क्या विरुद्ध कथन है जायते अजम च इति वो पैदा भी होता है जन्म रहित में विरुद्ध कथन होता है इसलिए बोलता है विप्रतिषेधम विषदयति भाषण लिखना विप्रतिषिद्धम चैदम
विप्रतिषिद्धम क्या है, उसको विस्तार क्या दिखाया है, क्या बोलता है जायते अजम जायती, ये विप्रतिषिद्ध विरुद्ध कथन हो गया, तो ये विरुद्ध कथन हो गया। अब तीन पाद तक हो गया, अब चौथा पाद, चौथा पाद क्या है, भिन्नम नित्यम कथम चतर, वो सावयव वस्तु होकर के नित्य कैसे हो सकता है, तत् प्रधानम सावयव सत कथम नित्यम भवे, कैसे नित्य हो सकता है, ये अभिप्राय है। तो चतुर्थ पाद अर्थम, हाँ चतुर्थ पाद के अर्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं, नित्यम से भाष्य कहते हैं नित्यम से तैर उच्चते, उसको क्या कहते हैं, प्रधान नित्य है, परिणाम अपंतु क्या मानते हैं, परिणामी नित्य मानते हैं। ये देखिए विरुद्ध कथन के, परिणामी वस्तु नित्य कैसे हो सकता है, परिणामी प्रधान परिणामी नित्य मानते हैं। वेदांती आत्मा को कूटस्थ नित्य मानते हैं, वेदांती जिसमें उपादान कारण को कूटस्थ नित्य मानते हैं, और आत्मा ये जो है परिणामी नित्य मानते हैं, शांखवाद परिणामी नित्य मानते हैं। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं चतुर्थ पद नित्यम चतैर उच्यते, नित्य उसको माना जाता है, प्रधानम भिन्नम विदीर्णम स्फुटितम एक देशेन सत कथम नित्यम भवेत, प्रधान जो है सावय होते हुए एक देश से स्पष्ट दिखता हुआ वो वस्तु नित्य कैसे हो सकता है, वो तो विकारी वस्तु है। नित्यम भवेत इति अर्थ, एक देश दिखे मतलब विकार रूप में प्रतीति होता है, प्रधान अदृश्य है, प्रधान अदृश्य है, तन्मात्र अदृश्य, भूत बनने के बाद जो दिखाई पड़ते हैं, यानी कि वो बहुत विकारी वस्तु हो गया, जो एक दूसरे दृश्य तो क्या है, वहाँ पे तन्मात्रा से बना हुआ कोई वस्तु वो प्रधान दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता है, अति सूक्ष्मत्वा अत्यंत सूक्ष्म वस्तु होने के कारण तो ठीक है, परंतु वही प्रधान का विकार तन्मात्रा से विकृत होकर के जब शरीर में दब दिखाई पड़ते हैं, यानी कोई विकारी हो गया, जो विदीर्ण अभिप्राय क्या है, वहाँ पे स्फुटिता में एक दृश्य अभिप्राय क्या है कि वो विकारी वस्तु है, क्योंकि आपने स्वयं माना प्रधान नहीं दिखाई पड़ते, प्रधान आप एक तन्मात्रा रूप में परिणत होने के बाद जब भौत रूप में आया तब वो दिखाई पड़ता है, तो विकार हुआ वहाँ पे, तो नित्य कैसे होगा, वो विकारी वस्तु नित्य नहीं हो सकता है। इस अभिप्राय से बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब यहाँ नहीं सा नित्यम चत प्रधानम भिन्नम विदीर्णम स्फुटितम एक देश है, ये इसका क्या अभिप्राय, स्फुटितम एक देश है ना, मतलब परिणत होकर के भौतिक जब बन गया वो एक दृष्टि आपको दिखाई पड़ रहा है तो वो तो परिणामी वस्तु हो गया, विकारी वस्तु हो गया, वो नित्य कैसे होगा, ये नित्य कैसे, कथम नित्यम भवे, तो कैसे नित्य हो सकता है, इति अर्थ इसका विपरीत अर्थ है। देखिए अनुमान दे रहे हैं, विमतम अनित्यम स अवयवत्व घटाधिपति अभिप्रेत दृष्टान्तम साधयति, विवादास्पद सांख्य के जो भी परिणाम बाद वो जो है अनित्य है, विवादास्पद सांख्य के प्रधान अनित्य है, क्यों, स अवयवत्वात् अभी सावय वाला होने के कारण, जैसे घटाधिपत घटादि घटादि में सावयवत्व बैठा है, अवय वाला है और अनित्य है, ये भी है। तो देखिए आप यहाँ पे विमतम हो गया पक्ष, अनित्यम हो गया साध्य, सावयवत्ता हो गया हेतु और घट हो गया दृष्टान्त, ठीक है, पक्ष हो गया विमतम, विवादास्पद प्रधान को लेकर के अभी वो प्रधान है, अनित्यत्व हो गया साध्य, प्रधान को नित्य माना था, वेदांती क्या करना चाहे तो अनित्य है, क्यों, सावय वस्तु इस कारण से, जैसे घटादि वस्तु, तो घट आपका क्या हो गया, दृष्टान्त, दृष्टान्त में हेतु और साध्य बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे, दृष्टान्त में हेतु और साध्य, हेतु क्या है, सावय वस्तु और साध्य क्या, अनित्य, दोनों घट में बैठा हुआ है, और आपको विवादास्पद प्रधान उसको आपने सावय माना तो वो भी अनित्य होना चाहिए, ज्ञानित होना चाहिए। इस प्रकार से इति अभिप्रेत दृष्टांतम साधयति, इसको मन में रखते हुए देखो दृष्टांत के द्वारा आपको सब कोई भी अनुमान आप करेंगे दृष्टांतों के द्वारा ही आप समझा सकते हैं कि क्या दिखाना चाहते हैं। ये बोलता है नहि सावयवम घटादि एक देशन स्फुटन धर्मी नित्यम दृष्टम लोके इति अर्थ, सावयव घटादि वस्तु जो विकारी परिणामी वस्तु है वो एक मतलब वो नित्य होगा ये लोक में नहीं दिखाई देता, कहीं नहीं दिखाई देता, इसमें नहीं नहीं घटा घटादि एक देश स्फुटन धर्मी नित्यम दृष्टम लोके इति अर्थ। सांख्य स्मृति विरुद्धम अनुमानम इति आशंक आह, नहीं नहीं सांख्य स्मृति के विरोधी अनुमान है ये, है ना, सांख्य स्मृति विरुद्धम सांख्य तस्य नित्यत्व अभ्युपगमा, सांख्य तो प्रकृति को नित्य मानते आप अनित्य कैसे बोला, सांख्य सिद्धांत विरुद्ध अनुमान किया आपने, सांख्य सिद्धांत विरुद्ध अनुमान की आपने ये बोलना चाहते हैं यहाँ पे बोलते हैं, इसलिए सांख्य स्मृति विरुद्धम अनुमानम, सांख्य स्मृति के विरुद्ध अनुमान है ये, ऐसा शंका करते उसको उत्तर बोलता है आहो, नहीं नहीं जब आप कोई एक विकार के रूप में स्फुटन धर्म के रूप में स्पष्ट दिखाई देने हैं सावयव वस्तु वो कहाँ पर नित्य दिखाई दिया आपने, कोई भी एक दृष्टांत दिखा दो हमको, स्पष्ट रूप में सावयव कोई वस्तु दिखाई दे रहा है विकार वस्तु दिखाई दे रहा नित्य कहाँ पर होगा, बोलते हमारे प्रधान तो दिखाई नहीं देते, बोलते ना दिखाई दे परंतु वो तो अवयव वाला है आपने तो स्वयं माना,
इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि शांख स्मृति विरुद्ध मिति शांख तस्य नित्यत्व अभ्युपगमादिति भाव। फिर जो है आह आह में युक्ति विरुद्धता शांख स्मृति अमानमिति आशयन आह है ना, युक्ति से विरोध होने के कारण शांख स्मृति प्रामाणिक नहीं है, केवल युक्ति के विरुद्ध नहीं और श्रुति विरोध भी है ना, युक्ति के विरोध भी है श्रुति विरोध भी है। वो स्मृति जो श्रुति के अनुकूल नहीं है वो स्मृति को प्रामाणिकता नहीं है। इसलिए भगवद गीता में इतने प्रामाणिकता क्यों है, सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंद, समस्त उपनिषद को गाय बनाकर उस दूध को दोहन किया गया है, यानी कि वो श्रुति सम्मत सिद्धांत है, मनुस्मृति श्रुति सम्मत सिद्धांत है, परंतु शांख स्मृति श्रुति सम्मत सिद्धांत पूरा नहीं है, यद्यपि आस्तिक दर्शन है पूरा श्रुति सम्मत नहीं है। इसीलिए बोलते हैं न युक्ति विरुद्धत्वात् लौकिक युक्ति से भी विरोध होने के कारण शांख स्मृति अमानव शांख स्मृति की प्रमाणिकता की अभाव यदि आशय न आओ, इसी को मन में रखते हैं। यहाँ पे कहते हैं विदीर्णम च शायद एक देश न अजब नित्यम च, एक देश से वो स्पष्ट रूप में दिखाई देगा, अवयव रूप में दिखाई देगा और नित्य भी होगा अजब भी होगा, ये तो होना संभव नहीं है। च इति एतद् विप्रतिषिद्धं तैः अभिधीयते, इस प्रकार से विरुद्ध कथन उन लोगों के द्वारा किया जाता है, उन लोगों के द्वारा किया जाता है। तो आगे देखिए इसमें बोल रहे हैं कि अब जो है उसको स्पष्टीकरण के लिए हमारे अंदर उसको स्पष्ट करके समझाने के लिए जैसे आपने पूछा तो संत यहाँ को उठा रहे थे अगले के किंच कार्य कारणयोर अभेदे, कार्य और कारण तद अनन्यतम आरम्भन शब्दादि जो कुछ हमारा ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र है क्या बोलते हैं किंच कार्य कारणयोर अभेदे, कार्य और कारण से अभिन्न होता है कि अब हम आपसे प्रश्न करते हैं रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प रज्जु से भिन्न है कि अभिन्न है? और ठीक उसी प्रकार से रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प से रज्जु भिन्न है कि अभिन्न है? सर्प तो है ही नहीं, ये तो यहाँ भी वैसे ही है, यहाँ भी तो अजन्मत के सिद्धांत के अनुसार यहाँ भी तो ऐसे ही है, आपका बुद्धि कल्पित है सर। अब हम आपसे पूछते हैं, ये देखो पूछ रहे यहाँ पे किम कार्य बैसले पढ़ रहा हूँ उसके इसी को लेकर के अपना विचार करता हूँ आपको स्पष्ट हो जाएगा। किंच कार्य कारण है अभेदे, कार्य कारण अभिन्न है, हम भी मानते हैं, वेदांत भी मानते हैं, शंखवादी भी मानते हैं, सत्कार्यवादी है, परंतु वो सत्कार्यवादी हम सत्कारणवादी हैं कितना ही मात्र है, वेदांती सत्कारणवादी सत्कारणवादी है, सत्कार्य हम सत्कार्यवादी, हम कार्य तो हमारे पास सत्य है नहीं, कुछ सत्कारण को है, सत्कारण है ब्रह्म सत्य है बस एक उतना ही मानते हैं। किंच कार्य कारण है अभेद किम कारण अभिन्नम कार्यम, देखिए प्रश्न क्या बोलता है किम कारण अभिन्नम कार्यम, क्या कार्य कारण से अभिन्न है किम व कार्य अभिन्नम कारणम अथवा कार्य से अभिन्न कारण है, ये कुछ समझ में आया, इसलिए मैं दृष्टांत समझाया रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे सर्व, हम आपसे पूछते हैं रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे सर्व कार्य ठीक है ना, वो कारण से अभिन्न है अथवा जो है कारण कार्य से अभिन्न है, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे जो सर्प वो सर्प रज्जु से भिन्न है का भिन्न है, और रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे जो सर्प वो सर्प रज्जु से भिन्न है का भिन्न है, प्रश्न आया समझ में, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है जो सर्प है वो सर्प रज्जु से भिन्न है का भिन्न है, एक प्रश्न ये, और दूसरा प्रश्न क्या है रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है जो सर्प वो सर्प से रज्जु भिन्न है का भिन्न है ठीक है ना, ये प्रश्न यही प्रश्न यहाँ पे उठा रहे हैं, यही प्रश्न यहाँ पे उठा रहे हैं, हम दृष्टांत के माध्यम से शब्द में और यहाँ पे शब्द के माध्यम से बोल रहे हैं, यहाँ पे पूरा लॉजिक चलेगा, दिमाग जो है खूब एक्सरसाइज होगा इसमें, यहाँ पे इसलिए होता है कि कारण अभिन्नम कार्यम किंबा कार्य अभिन्नम कारण इति विकल्प, इस प्रकार विकल्प करके आद्यम अनुवादति पहला भाग को अनुवाद करते हैं ठीक है ना। इसको लेकर के सामान्य रूप से क्या है देखो हमारी सिद्धांत कौन सा, क्या सिद्धांत कौन सा, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे सर्प कारण से कभी भी भिन्न करके दिखाई नहीं दे सकते है ना, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे सर्प रज्जु से अलग करके आप कभी नहीं देख सकते, यानी कि इसीलिए वो मिथ्या बोलते, जिसको अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती वो मिथ्या है, जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं तो मिथ्या, इसीलिए मिथ्या है। तो रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे सर्प रज्जु से सर्वथा अभिन्न है, कभी उसका अलग है, परंतु रज्जु से वो सर्प सर्वथा भिन्न है, रज्जु के साथ उस अधिष्ठान सर्प का कोई संबंध ही नहीं,
इसलिए एक इसको स्पष्टीकरण करने के लिए कार्य कारण अभिन्नत्व न्याय में हमारा क्या अभिप्राय है, इसलिए हम बोलते हैं हम सत्कारणवादी है, सत्कार्यवादी नहीं। मुख्य सिद्धांत यहीं पे थोड़ा बदल जाते हैं। कार्य कारण अनन्यत्व न, कार्य कभी भी कोई भी कार्य कभी भी कारण को बिना दिखाई नहीं दे सकता, कोई भी कार्य कभी भी कारण के बिना नहीं दिखाई दे सकता, ये तो हम भी मानते हैं। हमारे ऊपर भ्रांति से दिखाई दे रहा है जो पानी मरुभूमि में, उस मरुभूमि के बालुका के बिना कभी नहीं दिखाई दे सकता। कोई भी भ्रांति स्थल में अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव नहीं है, और भ्रांत वस्तु की प्रतीति अधिष्ठान के बिना कभी अलग करके स्वप्न को देखना चाहता है, जल्प को हम नहीं देख सकते हैं। इसीलिए जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, यही हमारी मिथ्यात्व की परिभाषा है, जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती वस्तु मिथ्या होती है, वो वस्तु मिथ्या होती है, हमारी मिथ्या की परिभाषा है। परंतु जो रज्जु के ऊपर जो सर्प दिखाई दे रहा है, वो सर्प से रज्जु वो सर्वथा भिन्न है। जिस सर्प जिस रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई दे रहा है उस सर्प से रज्जु अधिष्ठान सर्वथा भिन्न है। ये भगवत गीता के नवम अध्याय के चौथा श्लोक देखो, चौथा या पांचवा, दोनों श्लोक एक साथ मिला करके देखो। मत्स्थानी सर्वभूतान नक्षम तेषु अवस्थित न तो मत्स्थानी भूतानी पश्चिमे योगमेश्वर, यही तो विवर्तवाद सिद्ध करते हुआ भगवान श्री कृष्ण, न तो मत्स्थानी भूतानी पश्चिमे योग, देखो उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, यही मेरा योगेश्वर जो है, उनके साथ संबंध नहीं होते हो भी मैं उसको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता हूँ। उसका पहले माया था, यही तो बात है, यही तो मजा है, इसीलिए तो ये राजविद्या रात हुई है। बिल्कुल यही चीज को वहाँ पे जो यहाँ पे कहना चाहते हैं भगवत गीता में भी इसे बोला, अरे अपने आप स्पष्ट करके मुँह में बोल रहे हैं। बस ठीक है, यहीं पे रखते हैं, समय हो गया, इसको थोड़ा सा अपने आप विचार करके पक्का बैठा लेना, फिर बाकी इस लोग को समझ लेना। महाराज लॉ में बोला जाता कोई कोई प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, जैसे क्वेश्चन है डू यू हैव द हैबिट ऑफ बीटिंग योर मदर स्टिल नाउ, क्या आप अपना माँ को अभी भी मारते हो, हम इसका जवाब क्या दें, ना बोलने से पहले मारते थे अभी बंद कर दिया, हाँ बोलने से अभी भी मारते हो, तो इसका कोई जवाब नहीं। ये आपको मैं बताऊंगा, एक बार मर्यादा कालिदास की है ना, बताऊंगा समय हो गया। अच्छा तीसरा वाला, तीसरा वाला ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्मनश्चते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं नारायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरादेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शुभ दीपावली की शुभेच्छा एंड हैप्पी न्यू ईयर, ओम है, शुभ नववर्ष, नमो नारायण। कल तो हाँ 3 दिन का अवकाश होगा। हाँ सुमित मजेदार सुनो, कथा ये है कि एक राजा के दरबार में 3 विद्वान व्यक्ति थे। इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए।